मन विचारों का संग्रह है और विचार हर वक्त शोर शराबा मचाते रहते हैं। विचारों के समूह में घिरे घिरे तुम अकेले नहीं, इसलिए तुम इस अकेलेपन से छुटकारा चाहते हो तो भीड़ को खोज लेते हो, दोस्त बना लेते हो, परिवार बना लेते हो, पार्टी बना लेते हो, फिल्म में चले जाते हो, किसी जलसे जुलूस में चले जाते हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लेते हो। ये क्या है? ये तुम्हारे मन का स्वभाव है। भीड़ भीड़ को पसंद करती है और तुम्हारा मन एक भीड़ है। श्याम शाह, आप अक्सर कहते हैं बाबा अकेले हो जाओ, इसका गहरा अर्थ क्या है? कृपया समझाने का कष्ट करें। मनुष्य कई स्थितियों में से गुजरता है। अभी तुम जिस स्थिति में हो उसमें अकेले नहीं हो, उसमें तुम भीड़ के साथ हो, समाज भीड़। समाज के एक अंग हो और समाज एक भीड़ है, इसलिए तुम समाज से डरते हो। समाज क्या कहेगा? भीड़ का नाम है समाज। अभी तुम इसी स्थिति में हो और इस स्थिति में तुम्हें भीड़ अच्छी लगती है, तुम भीड़ पसंद हो। इस स्थिति में तुम अकेले रह नहीं सकते, असमर्थ हो। जब भी कभी अकेले रहते हो तो वह अकेलापन काटने को आता है, फिर तुम दौड़ जाते हो बाजार के कोलाहल में, क्योंकि मन स्वयं एक कोलाहल है और कोलाहल कोलाहल को पसंद करता है। मन विचारों का संग्रह है और विचार हर वक्त शोर शराबा मचाते रहते हैं। विचारों के समूह में घिरे घिरे तुम अकेले नहीं हो, इसलिए तुम इस अकेलेपन से छुटकारा चाहते हो तो भीड़ को खोज लेते हो, दोस्त बना लेते हो, परिवार बना लेते हो, पार्टी बना लेते हो, फिल्म में चले जाते हो, किसी जलसे जुलूस में चले जाते हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लेते हो। ये क्या है? ये तुम्हारे मन का स्वभाव है। भीड़ भीड़ को पसंद करती है और तुम्हारा मन एक भीड़ है। कोलाहल कोलाहल को पसंद करता है और तुम्हारा मन एक शोर शराबा है। यह स्थिति है, यह व्यस्तता की स्थिति है। तुम अकेले नहीं हो यहां। जब तुम भीड़ में जाते हो
तो भीड़ में तरह तरह की तरंगे लिए व्यक्ति घूमते हैं, वो अपना इफेक्ट तुम पे छोड़ते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम दुखी हो जाते हो। इसलिए भीड़ दुख देती है। जब तक तुम्हारा मन रहता है तुम शांत नहीं होते, तुम दुखी रहते हो। तो दुख का होना यानी मन का होना, मन का होना यानी भीड़ का पसंद होना। भीड़ ढूंढते फिरते हो, अकेले में मन लगता नहीं। दूसरा चाहिए, तीसरा चाहिए, भीड़ चाहिए, कोलाहल चाहिए, शोर शराबा चाहिए। एक वक्त आता है जब तुम इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, दुख इतना इंतहा हो जाता है, तुम अपने मन के पीछे पीछे चल के इतनी भीड़ जुटा लेते हो कि वो भीड़ दुखदाई हो जाती है। इतनी भीड़ जुटा लेते हो कि वह भीड़ ही दुखदाई हो जाती है। फिर तुम उस भीड़ से मुक्ति चाहते हो और ध्यान में तुम्हें थोड़ा थोड़ा रस आता है। ध्यान में तुम भीड़ से मुक्त होते हो और तुम अपने भीतर उतरना शुरू हो जाते हो। और जैसे ही तुम अपने भीतर उतरना शुरू हो जाते हो तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा रस आता है। भीड़ से मुक्ति अक्सर प्रेमियों के जीवन में यह घटना घटती है। जो तुम्हें ध्यान से ये घटना घटवानी पड़ती है वह प्रेमियों के जीवन में स्वतः ही घट जाती है। कुछ मसले के अंदर अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए प्रकृति मददगार हो जाती है। प्रेमी एकांत चाहता है। भीड़ से टूटा, एक में आया, बस उसको एक का सानिध्य चाहिए, वह भीड़ से मुक्ति चाहेगा। प्रेमी चाहेगा सिर्फ प्रेम का हो और प्रेमिका चाहेगी सिर्फ प्रेमी को, कोई दूसरा नहीं। लेकिन एक बात शुभ हुई, क्या? भीड़ से मुक्ति, अनेकता से एक पे ठहर गए। पहले तुम्हारा मन अनेकता को पसंद करता था, कहीं भी जाओ, जलसे जुलूस में जाओ, झंडा उठा लो, डंडा उठा लो, नारेबाजी करो, पार्टीबाजी करो, किसी पार्टी में सम्मिलित हो जाओ, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, कुछ भी हो, लेकिन भीड़ होनी चाहिए। और कुछ भी ना मिले तो फिर सिनेमा हॉल चले जाओ, वहां भीड़ होती है, तो मन का मनोरंजन हो जाता है। और मन ये चाहता है, मन की खुशी के लिए तुम ये सब करते हो, तुम्हें पता भी नहीं होता। दूसरा होता है, दूसरी अवस्था प्रेमी की। प्रेमी की अवस्था में भीड़ से मुक्ति और एक के साथ लगाओ, लेकिन अभी दो तो हैं, अभी प्रेमी है प्रेमिका है, प्रेमिका है प्रेमी है। इस अवस्था को सॉलिट्यूड कहते हैं। सॉलिट्यूड वो अवस्था है, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, वो अवस्था जिसमें तुम अकेला रहना चाहते हो, बस तुम हो, तुम्हारा प्रेमी हो, तुम्हारी प्रेमिका हो,
especially when you find the pleasant, और उस एकांत में तुम्हें खुशी मिलती है। पहले वाला अकेलापन तुम्हें दुख देता था, तुम दौड़ जाते थे भीड़ की तरफ। अब भीड़ से मुक्ति हुई, तुम अकेले हुए, तुम और तुम्हारी प्रेमिका, और तुम इसमें सुख महसूस करते हो, अच्छा महसूस करते हो। भीड़ खो गई, इसलिए कहा प्रेम है द्वार प्रभु का। सबसे पहली भीड़ गुम होनी चाहिए, ये सूत्र है समझते जाना। मेरे संग संग हो लेना, सबसे पहले भीड़ से मुक्ति। मन भागता है, मन कहेगा नहीं, वहां जलसा है, वहां जुलूस है, वहां पार्टी का आयोजन है, वहां चलेगा। और अच्छी पिक्चर लगी है वहां चलेंगे। मन तुम्हें भटकाता रहता है, भीड़ में जाने के लिए प्रेरित करता है, और तुम उसका पीछा कर लेते हो, इसलिए तुम दुख भोगते हो। मन दुख का कारण है, मन दुख का सबब है। दूसरी स्थिति आगे सॉरी चूट। सारी चूड़ वो अवस्था है जिसमें तुम अकेले हो, और तुम उस अकेलेपन में आनंद महसूस करते हो, खुशी महसूस करते हो, यू फाइंड प्लेजेंट। अब भीड़ में रस ना रहा, अब मन तुम्हें भीड़ की तरफ नहीं दौड़ाता, अब मन तुम्हें एक की तरफ दौड़ाता है, लेकिन दौड़ अभी भी शुरू है। अब प्रेमी रात रात भर जागेगा, करवटें बदलेगा, प्रेमी काफी जागेगी, करवटें बदलेगी, कहीं कोलाहल तो है, कहीं उत्पात तो है, कहीं दुख है, लेकिन उस दुख के भीतर सुख बड़ा गहरा है। चाहेगा कि प्रेमी और प्रेमिका मेरे पास बैठी रहे, बैठा रहे। दूसरी अवस्था सॉलिट्यूड, और तीसरी अवस्था टू बी अलोन, अकेले हो जाना। तीसरी अवस्था में तुम प्रेमिका को भी नहीं चाहोगे, प्रेमी को भी नहीं चाहोगे। तीसरी अवस्था, तीसरी अवस्था ध्यान की थोड़ी ज्यादा गहराइयों में मिलती है, जब तुम बाहर से छुटकारा पाओगे, अपने में आ जाओगे, फिर अपने में आ जाओगे, अपने अंतस में उतरना शुरू होगे, थोड़ा रस आना शुरू होगा। और कई बार मैंने कहा प्रकृति भी सहायता कर देती है, जब वो प्रेम के क्षण स्थिति पैदा कर देती है प्रकृति, तो तुम अपने भीतर जाते हो, प्रेम के क्षणों में तुम भीतर होते हो, इसलिए प्रेम के लम्हे इतने आनंददायी होता है। इसलिए रोता है मजन, इसलिए रोती है हीर, एक माला माला शुरू हो जाती है उसके नाम के। हर वक्त उसी के मन की माला, जब तुम बाहर थे
तो तुम पदार्थों की माला जपते थे, धन धन पदवी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान उसकी माला चलती थी। मन मन व्यस्त रहना चाहता है, बाहर थे तो कोलाहल में मस्त रहता था। पदार्थ इकट्ठा कर लो, पदवी इकट्ठी कर लो, मान सम्मान इकट्ठा कर लो, कुछ भी करो, किसी भी तरह करो, तो प्रेम के क्षणों में व्यक्ति बाहर से टूटता है, एक को लिए लिए अपने भीतर चलता है, थोड़ा गहरा उतर जाता है। प्रकृति की ये इनायत है, प्रेम एक बहुत बड़ा बून है, वरदान। जब प्रकृति प्रेम देती है तो आप सहज ही अपने भीतर खिसकना शुरू हो जाती है, जब प्रकृति ने आपको सहयोग कर दिया। ऐसे तो तुम अपनी मुशक्कत से अपनी मेहनत से तो शायद स्थल पर बहुत देर में आ पाते, लेकिन प्रकृति की ऐसी अनायत हुई कि तुम्हें एक पल में ही उस स्थिति में ला खड़ा किया जहां वर्षों की मशक्कत के बाद तुम आ पाते। इसलिए परमात्मा जिस पर कृपा करता है उसे प्रेम नसीब होता है। वह भीतर खिसकना शुरू हो जाता है, लेकिन द्वंद पूरा मिटा नहीं, भीड़ से मुक्ति हुई लेकिन दूसरे से मुक्ति नहीं हुई, अभी दूसरा है, थोड़ा और गहरा उतरोगे प्रेम में, थोड़ा और गहरा उतरोगे तो आएगा एकांत, टू बी अलोन, अकेले हो जाओगे। अब दूसरा भी खलता है, अब तो तुम एक जगह पे बैठ जाओगे, बंद कमरे में, खुली छत पर, आसमान के नीचे, किसी बाग बगीचे में, तुम्हें दूसरा अच्छा नहीं लगेगा। तुम प्रकृति का सानिध्य चाहोगे, तुम चाहोगे दूसरा ना हो। पहले दूसरे की कमी खलती थी, अब दूसरे का होना खलेगा, ये विपरीत आ गई स्थिति। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि दूसरे का होना खले तो समझ लेना तुम थोड़ा गहरा उतर गए। अक्सर दुख के क्षणों में ऐसा होता है, चौंकिएगा, दुख बहुत बड़ी दवा है। भगवान कृष्ण जा रहे हैं द्वारका, सभी से मिलकर जाते हैं, मां कुंती से कहते हैं, मां बुआ मैं चला, तो कुंती कहती है पुत्र तुम जाते रहो, फिर पता नहीं संयोग कब मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी झोली में एक वरदान दे जाओ, बोलो माते मेरी झोली में दुख ही दुख दे जाओ, अनंत दुख दे जाओ। ये बात अब तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम तो दुख को भगाते हो, लेकिन मैं तीसरा स्टेप दुख बताता हूं। पहले स्टेप में तुम भीड़ में जाने को राजी थे, उसके बिना जीवन ना चलता था। दूसरे स्टेप में भीड़ छूट गई, एक रह गया, वह जो प्रेम का पैगाम लाता है। तुम एक के साथ ही रहना पसंद करोगे, बस अपना ही एक सुंदर घर हो, छोटा सा,
उस घर में ही हम रहें, दोनों रहें। भीड़ से टूटे दो पर आए, लेकिन दुई अभी बाकी है। तीसरा है दुख, इसको छटकना मत। यह भी प्रकृति की इनायत है, प्रेम भी प्रकृति की इनायत है, लेकिन प्रेम सुखदायी है। और तीसरी अवस्था थोड़ा सा और नीचे खिसकोगे तुम, वह दुख। लेकिन वो दुख तुम छिटकोगे नहीं, वो दुख बड़ा रसीला होगा, वो मीरा के दर्द की तरह होगा, घायल की गति घायल जाने, या जिन घायल हो है। हेरी मैं तो प्रेम दबानी, मेरा दर्द न जाने कोई, ये दर्द में भी सुख होता है। ये दर्द कुछ ऐसा है जो बड़ा सुख देता है, जो प्रीतिकर है। ये दर्द इतना प्रीतिकर था, ये कष्ट ये दुख इतना प्रीतिकर था, तभी तो मां कुंती ने मांगा भगवान कृष्ण से। और भगवान कृष्ण कहते तथास्तु, मुस्कुराते हैं। कुंती ज्यादा समझदार है, कुंती रगों को पकड़ती है, अध्यात्म की रग को पकड़ती है, और तुम तो दुखों को फेंकने में सारी उम्र गंवा देते हो। काश जब दुख आए तुम उसे सीने से लगा लो। दुख के साथ चिपक जाओ, दुख को भगाओ मत। यह एक कीमती सूत्र है, एक रसायन है, अल्केमी है। अब ये मेरी बात अच्छी तरह से लिख लेना, जिस दिन तुमने इस तीसरे तल को, दुख को हृदय से स्वीकार करना शुरू कर दिया, तुम पाओगे दुख के भीतर से परम सुख निकलेगा। जैसे मृत्यु के भीतर से अमृत निकलता है। ये बातें बड़े विरोधाभासी हैं, लेकिन संतों की भाषाएं ऐसी ही भाषाएं रही हैं। संत कहते हैं मिट जाओ, हो जाओगे, समझ नहीं आती। ये कैसा हो सकता है, ये दोगली भाषा है, भाषा ही अल्प है, इसलिए दोगली इस्तेमाल करनी पड़ती है, क्या करें। संत ऐसी ही भाषा बोलकर आपको रग बताता है। संत कहता है मिट जाओ तो हो जाओगे, एक छोटा सा बीज, तुम उसको देखकर ये नहीं कह सकते कि यह जब मिट जाएगा तो बड़ा विशाल वट वृक्ष बन जाएगा, और लेकिन होता है सही। तुम कहोगे ये कैसे हो सकता है, ये छोटा सा बीज, ये टूटेगा और वट वृक्ष बन जाएगा, और इतना वट वृक्ष बन जाएगा हजारों हजारों पंछियों को उसके परिवार सहित अन्न देगा, विश्राम करने के स्थान देगा, बड़ी छाया देगा, यात्री इसकी छाया में बैठकर गर्मियों में आराम से बैठ सकेंगे, हवादार छाया, तब तो हृदय को शांति देगा। लेकिन आप सोच नहीं सकते, आप कहोगे नहीं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ऐसी बातों में विश्वास रखता ही नहीं। और सब जानते हैं कि वृक्ष एक दिन बीज था, और बीज में अपरंपार संभावनाएं हैं। छोटा सा बीज टूटेगा, फटेगा, वैनिश होगा, मिटेगा, और एक दिन
विशाल वृक्ष बन जाएगा। तुमने कभी सोचा ही नहीं था। इसी भाषा का प्रयोग करते हैं संत, मिट जाओ तो हो जाओगे। तुम कहोगे ऐसा कैसे हो जाएंगे, जीवन ऐसा ही है। जीवन गणित नहीं है, तुम गणित से तोलते हो, इसलिए तुम बुद्धि से परमात्मा को पाने की चेष्टा कब से कर रहे हो। जन्मों जन्मों से तुम ऐसे ही नहीं भटक रहे हो, उसके पीछे कारण है, काज एंड इफेक्ट का सिद्धांत है कि तुम बुद्धि से विराट को पाना चाहते हो। तुमने परमात्मा को गणित समझ लिया है, यही तुम मार खा जाते हो। परमात्मा गणित नहीं है, परमात्मा गणित से पार है। इसमें गणित कैसे लगेगा, एक छोटा सा बीज मिट जाएगा तो वट वृक्ष हो जाएगा, और तुम्हें समझ ही नहीं आता। जब गोरख कहते हैं कि मरो मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी मर गोरख जीता। गोरख मर गया लेकिन भीतर का विराट गोरख दिख गया। अगर उस विराट गोरख को देखना है तो बाहर के गोरख को मिटना होगा, और तुम्हारा मन मिटने से डरता है। यही कशमकश है, जन्मों जन्मों से यही चल रही है, और तुम्हारे मार्गदर्शक तुम्हें कुछ भी समझाते रहे लेकिन सत्य यही है, मिटना होगा, तभी हो पाओगे। बीज कहे मिटूंगा नहीं, जब मेरे में पोटेंशियलिटी है, संभावना है, तो मैं मिटूं क्यों, मैं बिना मिटे भी हो जाऊंगा। बस यही गणित उसे वट वृक्ष बनने नहीं देगा। और अगर मैं ही मिट गया तो फिर मैं होऊंगा कैसे, मैं तो गया, मैं तो मिट गया। ठीक कहता है गणित, ठीक कहता है, लेकिन मैंने कहा जीवन गणित नहीं है, जीवन गणित से पार है। यहां मिटकर ही हुआ जा सकता है, और मिटोगे तुम ही, मिटेगा बीज ही, वो ही बीज मिटेगा जो मिटने से डरता था, और वही बीज होगा जो मिट जाएगा। बड़ी अद्भुत व्याख्या है, और बड़ा अद्भुत फार्मूला है, सिद्धांत है। मिटोगे तो होगे, संत यही कहते हैं, और तुम्हारी समझ में नहीं आता, और तुम ऐसे मंत्र खोजना शुरू कर देते हो कि मिटे ना और हो जाए। यही तो कबीर कहते हैं, यही नानक, यही पलटू, यही दादू, यही भीखा। बूंद अगर समुद्र में समाएगी ना, विलीन ना होगी, स्वयं को मिटाएगी नहीं, तो समुद्र होगी कैसे। लेकिन बूंद डरती है, बूंद कहती है अगर मैं ही मिट गई, मेरा वजूद खत्म हो गया, ये बूंदें ही हैं सब, जिसको मिला के समुद्र बना है, एक एक बूंद खोई और वो एक एक बूंद का खोना समुद्र पैदा कर गया। संत तुम्हें मिटना सिखाता है, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे भी तो सुखी नहीं,
तुम जैसे हो वैसे कहां सुखी हो। रोज कहते हो बाबा मैं दुखी हूं। काहे दुखी हो? कोई अभाव है? नहीं। कुछ अभाव है? नहीं। धन है, पद है, मान है, सम्मान है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, जमीन है, जायदाद है, पदवी है, नौकरी है, अच्छी तनख्वाह है, सब है, पुत्र हैं, पुत्रादि हैं, बेटियां हैं, सब है, लेकिन दुखी। तुम जैसे हो वैसे भी तो दुखी हो। वियोगी राम राम जपले अभी, वियोगी राम राम जपले अभी, फिर भी तो राम राम होती है। वैसे भी तो तुम दुखी हो। जरा भीतर झांक के देखना, तुम सुखी हो? इस दुख को, इस दुख के फोड़े को साथ लिए लिए तुम झंडे डंडे उठा लेते हो, तुम नफरती भाषण करते हो। कभी फिल्म देखने जाते हो, कभी प्रेमी और प्रेमिका को तलाशते हो दुख मिटाने। संत यही कहता है, तुम्हें मिटना होगा, तुम्हें मिटना होगा, और वैसे भी तो तुम होकर भी दुखी हो। तुम्हारा होना ही दुख है। इसलिए तुम मिट ही क्यों नहीं जाते? कबीर राम राम कर रहे हैं, रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद ने कहा राम 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 राम, राम जप राम जप राम जप। और कबीर जपते जपते मालक जाती है। हाथ खाली हो जाते हैं, मन व्यस्त था फारिग हो जाता है, अव्यस्त स्थिति में आ जाता है, और उद्गार निकलते हैं कबीर के भीतर से, भलो भयो हरि विसरो, भलो भयो हरि विसरो सर से टली बला। ये राम राम का जपना भी एक बला था। भला क्या मिला? परमात्मा एक संकेत देता है कि इसको गिरा दो, और माला सोते ही गिर गई। जैसे प्रेम हो जाता है तुम करते हैं, वो प्रकृति की दात है, ईश्वर की दात है। तो जपते जपते राम राम वो गिर गई माला। और माला के गिरते ही ऐसे ही ये शब्दों के उद्गार प्रकट नहीं हुए। कबीर अपने अंतस में गिर गए। इधर माला गिरी, इधर कबीर अपने अंतस में गिरा। उस स्थिति में कबीर बोलते हैं भलो भयो, बहुत अच्छा हुआ, मुझे पता ही नहीं था। भलो भयो हरि विसरो सर से टली बला, ये भी एक बला थी। नाम जप लो, पांच नाम जप लो, दो नाम जप लो, ये एक बला थी, और ऐसी सुंदर बला थी जिसमें बड़ा प्रेम पड़ता था। लोग अपनी मालाओं को संभाल के रखते हैं।
मेरे एक मित्र की माला गुम हो गई, इतना लगाव था। ऋषिकेश चले थे और हमें बड़ी मुशक्कत करके वो माला ढूंढ के देने पड़ी। ये लो अपनी माला, लगाव था। माला के साथ भी मोह हो जाता है, ऐसा नहीं है कि शरीर के साथ ही मोह हो जाता है। तुम पदार्थों के साथ भी मोह कर लेते हो, शरीर के साथ भी मोह कर लेते हो और मालाओं के साथ भी मोह करते हो। तुम्हारे धर्म भी तुम्हारे मोह के हेतु हो जाते हैं, तुम्हारे धर्म भी तुम्हारे बंधन के कारक हो जाते हैं। गिर गई माला, उद्गार प्रकट हुए, भलो भयो हरि विसरो सर से टली पल्ला, जैसे थे तैसे भय। ये शब्द समझने जैसा है। हम जैसे थे, आध सच जुगाध सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जैसे थे तैसे भय, वैसे ही हो गए। अब ये हो गए, जिसको संत कहते हैं कि मिट जाओ, हो जाओगे। और तुम कहते हो ऐसे विपरीत भाषा कैसे चलेगी, हमें समझ नहीं आता। और समझ वो आता है। और बीज अगर जिद कर ले मिटूंगा तुम्हें, वट वृक्ष भी होके दिखाऊंगा। बस यही तुम्हारे मोटिवेशन स्पीकर कर रहे हैं। थ्रू वैलिड प्रोसेस नहीं चलते, यही तुम्हारे मोटिवेशन स्पीकर करते हैं। और इसलिए जो उलट रास्ते चलेगा, जो प्रकृति को चैलेंज करेगा, ये मोटिवेशनल स्पीकर द चैलेंज टू द नेचर। गरीब क्यों हूं मैं, अमीर होके दिखाऊंगा हाउ टू बिकम बिलियनेयर, और उसका रास्ता बताऊंगा। मोटिवेशन स्पीकर और संत, ये दोनों विरोध हैं, आपने कभी ख्याल नहीं किया होगा। मोटिवेशन स्पीकर कहते हैं कि करके दिखाऊंगा, गरीब कैसे हूं मैं, होके दिखाऊंगा। और बाबा नानक कहते हैं कि होके और दुखी हो जाओगे। अब जितने दुखी हो और दुखी हो जाओगे, सुविधाएं आ जाएंगी, पदार्थ आ जाएंगे, वाह वाही होगी, तुम्हारे नाम के होर्डिंग्स लगेंगे, बोर्ड लगेंगे, तुम्हारा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ जाएगा। ऐसे नाम का करना क्या है जो तुम्हें दुख दे जाए, दुख घनीभूत होना शुरू हो जाएगा, फिर तुम अपनी छवि को बचाओगे। और सबसे मुश्किल अवस्था में, सबसे मुश्किल दौर से गुजरोगे। मेरे पास एक बहुत बड़े व्यक्ति आया करते थे, किसी वक्त गरीब थे, जैसे ही मिल गई खाली, अब वो बहुत अमीर हो गए। तो मुझे गिनाने लगे कि मेरा महीने का खर्चा 4 लाख रुपए। मैंने कहा इतनी जरूरत तो आदमी की होती ना। तो उसके एक शब्द से मैं समझ गया कि बाबा स्टेटस भी तो बरकरार रखना पड़ता है। अब ये क्या करेगा, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए यह दुख भोगेगा, लोन पे कार लेगा, ठगी ठोरी मारकर पैसा कमाएगा,
क्योंकि बाबा नानक ने सीधी सी बात खत्म कर दी, पापा बाज न होवे कठी, पापा बाज न होवे कठी, मोया संग न जावे। तुम इकट्ठी कर लो, पदार्थ ले आओ, सुख भोग लो, लेकिन वो सुख सुख है, वो सुख कुत्ते की हड्डी के समान है जो हड्डा रूढ़ी पे जाकर सूखी हड्डियों को चबाता है और वो कहता है आह मेरे तो सारी जिंदगी का इंतजाम हो गया, यहां तो भरा पड़ा है। ऐसा भोजन यहां भरा पड़ा है, हड्डियां होती हैं वहां, पिंजर होते हैं पशुओं के, और उसे पता नहीं होता कि ये खून जो तुम्हारे गले से नीचे उतर रहा है, जो तुम्हारे टेस्ट बड्स को नमकीन लगता है, यह खून तो है लेकिन है तुम्हारा अपना ही, और तुम्हारा अपना ही खून तुम पी रहे हो और उसमें ही तुम मजा मान रहे हो। तो कबीर कहते हैं कि जैसे थे तैसे भय, मैं जैसा था वैसा ही हो गया। प्रसंग आ गया डॉक्टर सचदेवा का, मध्य प्रदेश से प्रश्न, उसको भी साथ ही ले चले, एक मिनट का वक्त लगेगा। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, कबीर का है। सो चादर सुर नर मन मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, दास कबीर जतन तो ओढ़। जो की त्यों धरती में चदरिया, इसका अर्थ क्या है बाबा? इसका अर्थ ये है, प्रसंग आ गया था तो इस प्रश्न को साथ ले चलो। ये जो कबीर कहते हैं जैसे थे तैसे भय, दास कबीर जतनते ओढ़ी, बड़ी अवेयरनेस से ओढ़ी मैंने, जरा भी बेहोशी और मूर्छा की अवस्था में नहीं आया, मैं जागता ही रहा। दास कबीर जतन थे उठ, जो की त्यों धर दी नीचे तर गया, जैसे थे तैसे भय। ये होगा कब? जब तुम सारे प्रयास छोड़ दोगे, डाका तो छोड़ ही दोगे, दान भी छोड़ दोगे। कर्ता भाव छूटा, और तुम अपने में गिर जाओगे, तुम अपने होने में आ जाओगे, तुम अपने स्वयं में आ जाओगे, स्वभाव में आ जाओगे। जैसे रात को अपने स्वभाव में चले जाते हो लेकिन सोए सोए जाते हो, मूर्छित होते हो, ऐसे ही दिन में जागे जागे तुम अपने स्वभाव में चले जाओ तो नींद में जितनी फ्रेशनेस आती है उसे अनंत गुना ज्यादा फ्रेशनेस आएगी, आनंद आएगा, मस्ती आएगी। जैसे थे तैसे भय, अब कुछ कहो ना जाए, बड़ा प्यारा शब्द है, इसके अर्थ लोग बहुत करते हैं, मैं खामोश हो गया, वह परम खामोशी है, वह परम मौन है, और उस परम मौन की अवस्था में जैसा ही उतरा, अब कुछ कहो न जाए, क्या बोल सकूंगा, बोलती बंद हो गए, मौन हो गया, खामोश हो गया, क्या बोलूं, मैं परम मौन में सिद्ध हो गया, सिद्धि प्रग हो गया, बोलने को बाकी क्या है। पर मौन में ऐसी छलांग ली, यह माला हाथ से क्या गिरी,
जीवन ही संवर गया। तो तुम जब तक मालाओं से चिपटे रहोगे तब तक तुम अपने भीतर छलांग ले ना पाओगे। जब माला तुम्हें अटकाए रहेगी, ये मालाएं ही तुम्हें अटकाती हैं। वो जपो किसी की, धन की जपो, पदवी की जपो, पुरुषार्थ की जपो, प्रेम की जपो, दान की जपो, डाके की जपो, मान सम्मान की जपो, किसी भी चीज की माला जपो, वो तुम्हें मौन नहीं होने देगा। और कबीर कहते हैं कि दास ने भी इसे ओढ़ा, सुर नर मुनिजन ने भी इसे ओढ़ा, लेकिन ओढ़कर मैली कर दिया, कर्ता भाव में उलझ गया। मैं करता हूं इसमें उलझ गया, और जैसे जैसे करता रहा वैसे वैसे कर्ता भाव अधिक गहरा होता गया, और आखिर में आ गया। दो तरह के मैं होते हैं, एक मैं होता है मैं हूं तो मुमकिन है, नेपोलियन यही कहता है, इम्पॉसिबल वर्ड इज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। मैं हूं तो मुमकिन है, ये शब्द परम अहंकारी व्यक्ति के शब्द है। वो कृष्ण भी कहते हैं अहम तो हम सर्व पापी भव मोक्षयामी मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। अब दो तरह के मैं, तुम कैसे फर्क को पहचानोगे? बिल्कुल साफ पहचानोगे। भगवान कृष्ण जब बोलते हैं फूल झड़ते हैं, और नेपोलियन जब बोलता है तो अहंकार झड़ता है और अहंकार विष है, और कृष्ण जब बोलते हैं तो अमृत झड़ता है। इससे साफ पहचान आ जाएगी कि कौन किस तल से बोल रहा है। नेपोलियन अहंकार के तल से बोल रहा है, हिटलर अहंकार के तल से बोल रहा है, और कृष्ण स्वभाव के तल से बोल रहा है। नेपोलियन अज्ञानी है, हिटलर अज्ञानी है, वो कहता है मैं ही हूं बस। तो यही कहते हैं सुर नर मुनिजन, ओढ़ के मैली कीनी चदरिया, उन सबने मैली कर दी। करता बड़ा पहाड़ जितना करता खड़ा कर, मैं करता हूं, मैं ही हूं, तो लिख के चले जाते हैं मेरी डिक्शनरी में, मेरे शब्दकोश में असंभव शब्द तुमको नहीं मिलेगा। लेकिन नेपोलियन आज कहां, हिटलर आज कहां, नहीं। जो बंदूक दूसरों को मारने के लिए खरीदी थी या ली थी, उससे खुद की ही आत्मघात करनी पड़ी। पता था नहीं? अपनी रक्षा करने के लिए जो बंदूक दी गई, जो पिस्टल ली गई, उससे खुद को ही स्वयं घात कर लिया। अहंकारी व्यक्तियों का हशर ऐसा ही होता है। तो फर्क क्या पता लगेगा? बोलते वो भी वही बात है, बोलते कृष्ण भी वही बात है। कृष्ण बोलेंगे तो रस चढ़ेगा, अमृत झरेगा, और नेपोलियन और हिटलर बोलेंगे तो जहर झरेगा, विष झरेगा, फर्क साफ हो जाएगा। जो की त्यों धर दिए नीचे दरिया, और उधर दूसरे माला गिर जाती है। जैसे थे तैसे भय, बस वैसे ही है, मैंने चदरिया पे कोई दाग नहीं लगने। किसका? कर्तापन का।
और प्रेमी भी एक दिन अगर वैसे ही प्रेम में डुबकी लगा ले तो एक दिन हीर जैसी बात कहेगा। और हीर की बात कृष्ण की बात से मिलती है। हीर कहती है, ती दो नी मैनू आखो रांझा, ती दो नी मैनू आखो रांझा, हीरन आखे कोई जे हीरन को। रांझण रांझण करती नी मैं आपे रांझण होए, मैंने माला क्या जपी रांझे की, रांझा ही हो गया। अब हे सखियो मुझे कोई हीर ना कहे, वक्त खो जाता है भगवान हो जाते हैं। यही भक्ति की अनुपम शलाघा है। भक्ति भक्त को ना कुछ से सब कुछ बना देती है। टूट जाना भक्ति है, टूट जाना विलीन हो जाना, अपने आप को मिला लेना। योग का मतलब भी यही है, मिल जाना मिला लेना, और भक्ति का मतलब यह है लीन हो जाना मिल जाना। जैसे ही तुम लीन हुए वैसे ही तुम विराट हुए। लेकिन डरते हो लीन होने से, बस यही तुम्हारी अड़चन है। छोटी सी अड़चन कितने जन्मों से तुम्हें उलझाई पड़ती, बस मिटना नहीं चाहते। और तुम देखते हो जो मिटा वह हो गया, बूंद मिटी समुद्र हो गई, और बीज मिटा वृक्ष हो गया, और वृक्ष हुआ मीठे फल लगे, यात्रियों के लिए छाया और खाने के लिए मीठे फल। मिटने का यह परिणाम, भक्ति इतनी सुखदाई है। तुम तो मिट जाते हो लेकिन कहां मिटते हो, तुम विराट हो जाते हो। प्रभु की ऐसी ही अमोघ लीला है। दास कबीर जतन थे ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चतरिया, कर्ता भाव बिल्कुल भी नहीं आया। कबीर कहां कहते हैं मैं करता हूं, नानक कहां कहते हैं मैं करता हूं, पलटू कहां कहते हैं मैं करता हूं। यही कहते हैं जो तुद पावे साई पलिकार, वही ठीक है साई, वही ठीक है। जो तुझे अच्छा लगे वो कर, तो मिट जाओ तो हो जाओगे। पहली भीड़, भीड़ में तुम्हारा मन लगता, फिर भीड़ खो गई, फिर दूसरे में तुम्हारा मन लगता, प्रेमी प्रेमिका में तुम्हारा मन लगता, फिर तीसरी अवस्था आ गई एकांत। तीसरी अवस्था एकांत बड़ी प्यारी। एकांत में यह होता है कि तुम भीड़ में भी रहकर अकेले होते हो, बड़ी मजेदार बात है। भीड़ में है कृष्ण, भीड़ में है कृष्ण, और भीड़ नहीं युद्ध में है कृष्ण, लेकिन अकेले। भीड़ में इकट्ठे लेकिन एकांत में है, अकेले हैं। तो तीसरी अवस्था ये आ गई कि बाहर तो भीड़ है लेकिन तुम्हारे दुख का सबब नहीं है, तुम अकेले हो। और चौथी अवस्था यह है कि भीड़ भी खो जाती है, जहां मैं कहता हूं अकेले हो जाओ, हो जाओ बन जाओ, मैं कभी नहीं कहूं अकेले हो जाओ। भीड़ त्रोहित हो गए और तुम उस अवस्था में आ गए जिस अवस्था में कबीर कहते हैं
जो की त्यों धरती नीचे दरिया। जैसे थे तैसे भय, अब कुछ कहा ना जाए। परम मौन में आ गए, अपने स्वभाव में आ गए। तुम्हारा स्वभाव परम मौन है, तुम्हारा स्वभाव खामोशी है। उलझो जब तक तुम्हारा मन करे उलझो, कौन रोकता है, तुम स्वतंत्र हो। स्वतंत्रता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम उलझो जब तक तुमने उलझना है उलझो, लेकिन जब उलझने से थक जाओ तो रास्ता भी तो होना चाहिए, तो तुम इस रास्ते पे आ जाना। दास कबीर जतनते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरती नीचे दर जाए। जैसे थे तैसे भय, अब कुछ कहा ना चाहे। ये चौथी अवस्था जो है इसे महावीर कहते हैं कैवल्य। इसलिए एक बड़ी प्यारी बात आपको बता दूं, ये श्रुतियों के द्वारा आई हुई बात, कानों से कानों जो बात आती थी उसे श्रुति कहते थे, और जो याद से याद बात आती थी उसे स्मृति कहते थे। हमारे शास्त्रों में ये चीजें मिलती हैं, जो यादगार बना ली गई उन्हें स्मृतियां कहा गया, और जो कानों कान आ गई और हमने हृदय में बसा ली उन्हें श्रुतियां कहा गया। तो ये एक श्रुति थी। आपने सहज आपके भीतर भी समा गई होगी। हम बुद्ध को महात्मा कहते हैं, महात्मा बुद्ध। याद करो तो महावीर को हम भगवान कहते हैं, भगवान महावीर। कभी महावीर को महात्मा महावीर कहा, कहीं लिखा देखा, किसी के मुख से सुना। बुद्ध को हम महात्मा कहते हैं, महावीर को हम भगवान कहते हैं। दोनों का मार्ग एक ही है, लेकिन मैंने एक पिछले प्रवचन में दोनों का फर्क किया कि बुद्ध स्वयं को जानकर है। बहुत से लोग स्वयं को जानकर तुम्हें दुख से मुक्त कर सकते हैं, तुम्हारी अवस्था से बाहर चले गए, छोड़ दिया सब ताम झाम, इकट्ठा करने की फिराक खत्म, और मैं कौन हूं ये जान लिया, और यहां सारे प्रश्न कर जाते हैं, प्रश्न कर जाते हैं, सारे दुख कर जाते हैं। दुखों से प्रश्नों का आगाज होता है, उत्पत्ति होती है। तो बुद्ध वहां ठहर गए, लेकिन महावीर वहां नहीं ठहरे। बुद्ध को 6 वर्ष लगे, महावीर को 12 वर्ष से ज्यादा लगा। महावीर उससे आगे चल दिए क्योंकि उसके आगे रास्ता है, और कुछ लोग नाराज निश्चित है। जो किसी के साथ चिपकेगा चले गए, मैंने भी क्या लेना है। लेकिन सत्य तो सत्य होता है। अब हम विश्लेषण ही करने बैठे हैं तो गलत विश्लेषण क्यों किया जाए। आने वाली पीढ़ियां इस विश्लेषण को सुनेंगी, उनके लिए गलत विश्लेषण थोड़े छोड़ के जाना। दोनों का रास्ता एक, संकल्प। लेकिन महावीर 12 वर्ष से ज्यादा का वक्त ले लेते हैं। क्या हुआ, उससे आगे भी कुछ है, और भी राहतें हैं। वसल की राहत के सिवा यहां राहत बहुत है, बिना शक समाधि में राहत बहुत है, लेकिन कैवल्य में जो राहत है, निर्वाण में राहत बहुत है। बंधन टूट गए, लेकिन कैवल्य में जितना प्यार है। इसलिए महावीर कहते हैं कि मेरे पांव के नीचे कोई कीट पतंग भी आकर मर न जाए, मैं भोजन करूंगा इस शर्त पे करूंगा। ये शर्त लगाते वो किसी को है, कोई चेतन
कोई चेतन नियामक है उसके आगे। ध्यान से समझना मेरी बात, ऐसी शर्त बुद्ध नहीं लगाते। बुद्ध सिर्फ जाते हैं घर के आगे, भिक्षा के लिए आवाज लगाते हैं, मिल जाती है ठीक नहीं, अगले घर चली जाती है। लेकिन महावीर ऐसा नहीं करते। महावीर को तो स्थानक के भीतर भी पहुंचाने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। वो कहते नहीं, ऐसा नहीं, थोड़ी सी आगे की अवस्था भी है, एक जगह पे अटक मत जाओ। स्वयं का होना और स्वयं को स्वयं का ब्रह्म होना, इन दो स्थितियों में फर्क है। आत्म दर्शन स्वयं का होना बता देते हैं कि तुम हो और कौन हो, यह भी पता चल जाता है। कौन हो, शरीर नहीं हो, मन नहीं, विचार नहीं, भावनाएं, यहां तक आ गए। और यहां तक आ गए, लोक कल्याण बड़े अच्छे से हो सकता था, वो कर दिया। इसलिए बुद्ध से बड़ा करुणावान व्यक्ति कोई भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके आगे कुछ होता नहीं, पीछे तो बहुत लोग पड़े हैं, पीछे तो मार्कस भी पड़े हैं, और मार्कस के भी गुरु चार वाक पड़े हैं, वो कहते छीन के खा जाओ, उधार मांग लो, ऋणम कृत्वा घृतम विवेक, भस्म भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जो चला गया एक बार, जो शरीर एक बार भस्म हो गया, वो कभी किसी ने वापस आता उस रूप में देखा नहीं देखा, इसलिए होता नहीं पुनर्जन्म। और पीछे चले जाओगे तो हत्यारे मिल जाएंगे, और पीछे चले जाओगे। सभी स्थितियों के अपनी अपनी सीढ़ियों के पायदानों पे खड़े हुए लोग हैं, और ऐसा नहीं है कि उससे आगे कोई स्थिति नहीं थी, थी। महावीर ने उसे अडॉप्ट किया, महावीर ने उसे अटेन किया। लेकिन बुद्ध करुणा वश वहां ठहर गए, महावीर उससे आगे चले, अन्यथा दोनों बराबर थे। वैराग्य बराबर था, वही संपदा वो छोड़ के आए, वही संपदा महावीर छोड़ के आए, और करीब करीब बराबर की उम्र थी। 36 वर्ष बड़े थे महावीर। जब बुद्ध का जन्म हुआ तो महावीर घर छोड़ चुके थे, महावीर को ज्यादा वक्त लग गया, रास्ता और आगे था, और भी राहतें हैं, वसल की राहत कैसे वो। वो कहते हैं मैं अपनी शर्त में, अगर तू मुझे जलाना चाहती है, माते किससे कह रहे हैं, कोई चैतन्य सत्ता है जो सुनती है, कोई चैतन्य सत्ता है जो तुम्हारी इच्छा को पूरी करती है। अब इसे समझ नहीं आती थी, जरा सूक्ष्मता से समझो। महावीर की इस शर्त को पूरा कौन करता है? कोई है? हूबहू उसी शर्त को जो वो रख देते हैं, और बड़ी मुश्किल शर्तें रखते हैं। राजकुमारी हो, हाथों पांव में जंजीर, आंखों में अश्रु धारा हो, पांव में बेड़िया, हाथ में थाली, चंदन बाला। राजकुमारी थी, उसने अपने हाथ से भिक्षा दी, ग्रहण की। किसको फरियाद कर रहे हैं? फरियाद तो वही है जो हम करते हैं, जो सिख धर्म में अरदास की जाती है, वही है। लेकिन ध्यान रखना, बुद्ध कभी अरदास नहीं करते।
बुद्ध अरदास नहीं करते। बुद्ध के जीवन में अरदास नाम की चीज तुम नहीं पाओगे, क्योंकि परमात्मा नहीं है। और तुम महावीर को भी कह देते हो कि परमात्मा नहीं, तो ये अरदास किसके आगे करे। इसलिए निर्वाण और कैवल्य में फर्क है, निर्वाण आत्मा को जानने का, और कैवल्य यह हो जा, कैवल्य बस तू ही है, सब कुछ तू ही है, एको अहम एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। वही उपनिषद तक पहुंच जाते हैं, महावीर उपनिषद तक पहुंच जाते हैं, वेद तक पहुंच जाते हैं, और बुद्ध वेदों का तिरस्कार करते हैं, बुद्ध वेदों को इंकार करते हैं। महावीर तिरस्कार नहीं करते, वरण महावीर तो मानते हैं। महावीर उस एक अज्ञात सत्ता को मानते हैं और उसके आगे फरियाद करते हैं कि ऐसा कर, अगर तू मुझे जीवित देखना चाहती है मां, और मां वैसा ही कर देती है। तो ये जो जिसके आगे फरियाद की गई महावीर के द्वारा, वह कैवल्य होकर, कैवल्य हो गया है। निर्वाण और कैवल्य में ये फर्क है, गहरा फर्क है, बहुत आगे निकल गए है। ये केवल हो जाना, कैवल्य हो जाना, सिर्फ और सिर्फ एक हो जाना, बस बाकी सब खत्म हो जाना। दो तो खत्म हो ही गए, एक भी खत्म हो गया, बस जो रहा वो रहा, और कौन रहा? अस्तित्व रहा, अस्तित्व रहा, वो सदा से था, वो ही रह गया। इसलिए कभी भी बुद्ध और महावीर को एक ही श्रेणी में मत रखना। महावीर हमारे मनुष्यों के बराबर आके बैठ गए, बुद्ध एक कदम पीछे रह गए, तो इस बात से बड़ा दुख हुआ लोगों को। लेकिन किसी के दुखी होने से मेरा अनुभव थोड़े बदल जाएगा। जिसने खुद की विशालता को सारे ब्रह्मांड में फैला हुआ देखा, वह मेरी प्रसाद से तो हुआ नहीं, वह उसकी कृपा से हुआ। तो मैं कैसे कह दूं कि बस आत्मदर्शन ही काफी है? नहीं, उसके आगे आत्म दर्शन के बाद मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं भावनाएं नहीं, मैं विचार नहीं, उसके आगे तुम फिर हो कौन? वास्तव में तुम कौन? वास्तव में तुम ब्रह्म हो। यहां आकर बात खत्म होती है, और इसे कैवल्य कहते हैं। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न वायु सुखाए, वो ही सच्चिदानंद स्वरूप मैं हूं, शिवोहम 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 शिवोहम। अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम।
नहीं।